नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर चिकित्सालय से रेफर केंद्र नाम हटाने की कवायद हुई तेज। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जसपुर चिकित्सालय में अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर धीरेंद्र सिंह गहलोत ने अस्पताल से रेफर केंद्र का नाम हटाने की कवायद तेज कर दी है। अब जसपुर चिकित्सालय में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर धीरेंद्र गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पहले जसपुर चिकित्सालय में जच्चा जननी कार्यक्रम में लच्चा प्रणाली के तहत गर्भवती महिलाओं को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर निजी अस्पताल में जाने को मजबूर किया जाता रहा है, लेकिन अब लगातार जसपुर चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा सीजा ऑपरेशन किया जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी अभी कराई जा रही है। और मुख्य तौर पर स्वास्थ्य चिकित्सालय अधीक्षक ने बताया कि अब टीवी रोगियों के लिए अच्छी खबर है कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीवी के रोगों का निशुल्क इलाज लगातार किया जा रहा है और आसपास समस्त चिकित्सालय के चिकित्सकों को भी दिशा निर्देशित किया गया है कि टीवी बीमारियों का उपचार हेतु चिकित्सालय में ही रोगियों को भेजा जाए। वहीं डॉक्टर धीरेंद्र गहलोत ने बताया कि वर्षा ऋतु के बाद जगह जगह जल भराव की स्थितियां होने के चलते मच्छरों का पनपना शुरू हो गया है, जैसे प्रदेश में डेंगू का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी अच्छी खबर ही है कि जसपुर क्षेत्र में अभी डेंगू का प्रकोप नहीं है, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए डॉक्टर धीरेंद्र मोहन सिंह गहलोत ने कहा कि अपने आसपास जल भराव ना होने दें, मामूली बुखार होने पर तुरंत जांच कराए और डेंगू के रोगियों का यहां स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। डेंगू जैसे संक्रमण बीमारियों के उपचार लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। टीवी के मरीज काफी आ रहे हैं, उनका यहीं पर निरंतर इलाज मिल रहा है। जो भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी में मरीज आते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि यहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। एक खास अंतर जो जरूर आया है अस्पताल में बहुत ज़्यादा, वो आया है सीजेरियन ऑपरेशन में। जो पहले यहाँ पर सीजेरियन नहीं होते थे, वो अब लगातार हो रहे हैं। जिन मरीजों को ज़रूरत है सीजेरियन ऑपरेशन की, उनका सीजेरियन हो रहा है। जिनको नॉर्मल की ज़रूरत है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। तो मैं क्षेत्र की जनता से कहूँगा कि अगर कोई कहीं पर भी उनको सीजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की, बेहिचक अस्पताल में आएँ, जहाँ तक संभव कोशिश होगी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसमें तो ये है कि जो क्षेत्र में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं या और भी कोई डॉक्टर हैं, उनको भी मैसेज दिया गया है कि जैसे टीवी के मरीज़ हैं वो यहीं पर भेजे जाएं, उनका यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। तो उसी के कारण यहाँ पर मरीज़ काफ़ी बढ़े हैं और दूसरे मरीज़ को सुविधाएँ मिली हैं, तो इसलिए एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। उसके कारण भी यहाँ पर मरीज काफ़ी बढ़े हैं कि चलो सरकारी अस्पताल में इलाज मिलने लगा है, अच्छे से डॉक्टर अच्छे से देख रहे हैं, मृदुभाषी होकर बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो भी एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है तो मरीज़ बढ़ जाते हैं। मौसम जैसे आपको पता ही चल रहा है, तो इसमें अपने आसपास जल भराव होने से बचें, जिस बचाव करें, जिससे कि जैसे जल भराव से या मच्छर जनित रोग हैं ऐसे होने का डर रहता है, जैसे कि डेंगू होने का डर रहता है, मलेरिया का डर रहता है, तो ये बचाव करें बरसात होने के बाद तो डेंगू नहीं हो।